नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा मतलब आइडियाज देने वाला है हम सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली चीटिंग के ऊपर है। अब कौन सी स्टूडेंट कैसे चीटिंग किए हैं और किस किस तरीके से चीटिंग किए और कहां कहां पकड़े गए हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हमें पता चलने वाला है और साथ ही बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है हम सभी के लिए। सो वीडियो की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर ले और साथ ही शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और जरा इसे देखिए। इस चीटिंग मेथड से मोहतरमा ने सारे जवाब बड़ी सफाई से दे दिए थे, चीटिंग सक्सेसफुल भी हुई। हैंड डाउन होता है, उनकी प्रॉपर पनिशमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर उसकी बैड किस्मत की बात करूं तो ये चीटिंग मेथड का वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो एंड में टीचर के हाथ तक पहुंच गया, जिसके बाद उस मोहतरमा के साथ क्या हुआ वो तो उसे ही पता है। फैक्ट भाई को तो बस इतना ही पता है कि एक चीटिंग ऐसी भी है जहां स्टूडेंट्स को पर्चियों की नहीं बल्कि 2 इंच हाइट की जरूरत होती है और उस हाइट को बढ़ाने के लिए कोई ये जुगाड़ कर रहा है तो कोई आयरन रॉड से सर पे मार के सूजन लाने तक की हदें पार कर रहा है। पर क्यों और ये किस एग्जाम के लिए किया जा रहा है? साथ ही में सोचने वाली बात ये भी है कि क्यों बिहार में एग्जाम हॉल के बाहर पुलिस ऑफिसर्स ने बच्चों के साथ रैगिंग करते हुए उनके पैंट्स निकाल के उन्हें शर्मिंदाई कर दिया। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, चलते फिरते चीट्स। एक वो लोग होते हैं जो चीटिंग के लिए एग्जाम हॉल में पर्चियां लाते हैं और एक होते हैं जो खुद ही चलते फिरते चीट्स बनके एग्जाम हॉल तक पहुंच जाते हैं। इन नवाबों ने कमर से लेके पैर और उंगलियों के बीच से लेके नाखून तक सब जगह जवाब लिखे हुए होते हैं और इन शातिर दिमागों ने पकड़े न जाने के डर से श्योर किया होता है कि लिखावट की साइज चीटी से भी छोटी हो। पर जब किस्मत ही बुरी हो तो भला क्या हाथी और क्या चीटी। लाइक अगर इस गुलाबी सूट वाली दीदी की बात करो तो उनकी मासूमियत को देख, आंसुओं को देख और डर के साथ इनकार करते हुए चेहरे को देख कोई नहीं कहेगा कि ये चीटर है। और इस चीटर की किस्मत इतनी बुरी थी कि उसकी किसी ने सुनी तो नहीं, लेकिन उसका चीटिंग का राज पूरी दुनिया के सामने शूट करके वायरल भी कर दिया। ये गुलाबी सूट वाली दीदी इतनी वायरल हुई कि आज मोस्ट ऑफ द चीटिंग वीडियोस के ऊपर इन्हीं के चरणों की तस्वीर दिखाई देती है। और जानते हो इनको ये चीटिंग आइडियाज कहाँ से आते हैं? वेल, ये आइडियाज आते हैं 5 मिनट वीडियोस और गूगल से, जहाँ ये तक लिखा होता है कि अगर पकड़े गए तो टीचर को कौन से एक्सप्रेशन के साथ कौन सा जवाब देना है, जिसे पढ़ के कुछ बालक चीटिंग में सक्सेसफुल बनते हैं तो कुछ उस दीदी की तरह पकड़े जाते हैं। नंबर 2, तहखाना। अली बाबा और 40 चोर की कहानी सबने जीवन में एक बार तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी बिहार का छोरा और 40 चीट्स की कहानी सुनी है? नहीं। कोई ना, फैक्ट भाई है ना, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। आप खुद देख लो कि कैसे एग्जाम के पहले इस शख्स की जांच पड़ताल होती है, कैसे उनके दोनों पैर से पायल की जगह चीट्स निकलते हैं और अंततः जब पुलिस को फिर भी उस शख्स पर विश्वास ना हुआ तब भैया उन्होंने निकाल लिया उसका पैंट। और सच मानो अली बाबा की गुफा में आज जितना सोना है उससे कई ज्यादा चीट्स इन जनाब के तहखाने में छुपे हुए थे। और जब चीटिंग का आइडिया इतना कमाल का हो तो लोग तो इंस्पायर होंगे ही। सो बस लोग इंस्पायर हुए और सेम ऐसा ही केस पटना में देखने को मिला। ये जनाब करीबन 60 चीट्स के साथ पकड़े गए थे, लेकिन भैया फिर भी उनकी मेहनत को एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ आलसी नमूने ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कॉपी करने के लिए चीट्स तक लिखने की मेहनत नहीं करते, वो बस अंडरवेयर में फोन डाल के एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या फायदा, पुलिस के हाथ लंबे हैं और उनकी निगाहें काफी तेज, एट द एंड तो पकड़े ही जाओगे। नंबर 3, ₹6,00,000 का चप्पल। एक चप्पल के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितना पे करोगे? 5,000, 10,000 या अगर बड़े ब्रांड का हुआ तो 1,00,000, इससे ज्यादा तो नहीं ना? वेल, अगर आपका जवाब ना है तो आपको धक्का लगेगा जब मैं कहूँगा कि कुछ पढ़े लिखे लोग एक टॉयलेट स्लीपर के लिए 6,00,000 दे रहे हैं। अब वो क्यों? जाने से पहले तो फैक्ट भाई को ये बताओ कि एग्जाम चीटिंग वीडियो में ये चप्पल कहाँ से बीच में आ गई? वेल, आएगी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल राजस्थान में रीट एग्जाम यानी REET प्राइमरी स्कूल टीचर बनने वाली एग्जाम के एग्जाम हॉल के बाहर ही तो ये 6,00,000 की चप्पल बेची जा रही थी। और इस चप्पल आसमान चूमती कीमत का राज चप्पल के बीच में है, जहाँ चीटर्स ने बड़े ही सफाई से ब्लू
ब्लूटूथ डिवाइस को फिट करके रखा था सो दैट उन चप्पल से चीट करके एग्जाम क्लियर किया जा सके। पर अफसोस टीचर्स उन चप्पल को इस्तेमाल कर सकें उससे पहले ही चप्पल सप्लायर पुलिस के हाथ लग गए, जिसके बाद ऑब्वियस था जिन जिन को उन्होंने चप्पल सप्लाई किए थे वो सब भी पकड़े गए। नंबर 4 एंटायर स्कूल चीट्स इन एग्जाम। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चीटिंग करते हैं जब ऐसे तब एग्जाम में रैंक्स मिलते हैं। अब तो हमें बस चीट्स की मदद से चीटिंग है करते जाना, अब तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी नहीं है पड़ी। अब जो भी हो सब साथ मिलके संभाल लेंगे। बस कुछ यही जज्बात थे पूरे स्कूल के जब उन्होंने एग्जाम में एक साथ चीटिंग करने की ठान ली। लेकिन अगर इन बच्चों को इग्नोर किया जाए तो फैक्ट भाई का भी आपकी तरह यही सवाल है कि आखिर इस एग्जाम हॉल में से एग्जाम इन्विजिलेटर कहां गायब है, क्यों सब दिन दहाड़े बिंदास हो रहा है, जिसे रोकने टोकने के ये कोई है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करो तो टीचर तो छोड़िए क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड तक मौजूद नहीं है। शायद यही वजह है सब बिना किसी फिकर और शर्म के यूनिटी में एक साथ काम कर रहे हैं। बस इन सब के बीच कोई एक गद्दार है जिसने ये पूरा इंसिडेंट शूट करके वायरल कर दिया। नंबर 5 नेक्स्ट लेवल चीटिंग। अगर आप चीटिंग करते और पकड़े गए होते तो आपके पेरेंट्स आपके साथ क्या सलूक करते, झाड़ू और बेलन की मार और चप्पल का वार, सही है। पर अब जरा इस नज़ारे को देखिए, यहाँ जो लोग लटक रहे हैं वो अंदर बोर्ड एग्जाम में बैठे बच्चों के पापा मामा ताऊ चाचा हैं। जी बिल्कुल सही समझे, वह सब अंदर बैठे बच्चों को चीटिंग में मदद करने के लिए लटक रहे हैं। और ये पूरा दृश्य बिहार के हाजीपुर का है जहां उनसे ऐसा क्यों किया पूछे जाने पर एक जवाब मिला। बच्चों का 10th बोर्ड था जो उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है कि कौन सा स्ट्रीम चुनेगा, कहां जाएंगे वगैरह वगैरह। तो बस उस एक वजह के कारण उन्होंने ऐसा किया। लेकिन भैया क्या ही फायदा, उन्होंने इस चीटिंग को दिन दहाड़े इतने खुलेआम किया था कि स्कूल में बैठे सारे 600 बच्चों को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया और करीबन 12 से 20 पेरेंट्स को पुलिस ने डिटेन कर लिया। अगर पेरेंट्स ने इस तरह मदद ना की होती तो शायद बच्चे रैंक ना लाते लेकिन पास तो जरूर हो जाते। लेकिन अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 6 दो इंच का झमेला। आयुर्वेद दवाई लो या इंग्लिश दवाई, मार मार के सुझा ही दो चाहे, लेकिन 2 इंच भी कम ना चलेगा। भर्ती होगी सिर्फ उनकी जिनका होगा बड़ा, ना 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 हाइट की बात चल रही है रे बाबू। क्योंकि पुलिस एस्पिरेंट्स को जितना रिटन एग्जाम से डर नहीं होता उतना तो उन्हें फिजिकल एग्जाम से डर लगता है। और लकी का भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेल्स की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर तक की चाहिए। 1 इंच भी कम हुआ तो सीधा रिजेक्ट। बस रिजेक्ट ना होने के डर से ही क्राइटेरिया के सामने जिनकी हाइट 1-2 इंच तक छोटी होती है वो रॉड से टंग के हाइट बढ़ाने के बदले उस रॉड को अपने सर पे या पैर पे जोरों शोरों से मारते हैं ताकि मार की वजह से सूजन आए और सूजन के चलते हाइट 1-2 इंच तक बढ़ जाए, जिससे सिंपली टारगेट अचीव हो जाए। और ऐसे कारनामे करने के लिए जिनके पास हिम्मत नहीं होती वो या तो इन जनाब की तरह विग लगा लेते हैं या फिर इनके जैसे बालों पे कैरम का स्ट्राइकर चिपका के बालों को ढक लेते हैं या फिर तो हिना चिपका के उस चोरी को बाल खड़ा करके ढक देते हैं। एंड टन टन इन सब से बाल की हाइट बढ़ेगी, यानी एग्जाम के लिए उस इंसान की हाइट बढ़ गई। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि ये सारी चोरी या रंगे बाल पकड़े गए हैं, जिसके बाद सभी को धारा 147 और धारा 420 के अंडर जेल में डाल दिया गया था, जहां फैक्ट भाई कहेगा ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। नंबर 7 ऑनलाइन चीटिंग। कोविड ने बच्चों की पढ़ाई को तो कमजोर कर ही दिया है लेकिन साथ ही साथ उनके चीटिंग करने के टैलेंट को भी कमजोर कर दिया। विश्वास ना हो तो आप रमेश के कारनामे ही देख लो। जब ऑनलाइन एग्जाम में टीचर ने उसको सवाल पूछा तब रमेश बाबू ने बिना देरी किए बस सवाल को गूगल कर लिया। लेकिन ये जनाब ये भूल चुके थे कि उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी थी। और ये इकलौते नहीं, जरा इस मोहतरमा की मासूमियत को देखिए। इसको जैसे ही लगा कि अब वो पकड़ी गई है वैसे ही उसने फोन को छुपाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए। अफसोस उसकी चीटिंग पकड़ी गई और फिर उसको बस इतना कहा गया कि ये फोन जो नीचे रख रहे हो ना अभी आपकी यूएमसी बन गई है बच्चे। Still I will say, वो लड़की समझदार तो थी, उस लड़की ने एटलीस्ट इस नादान बच्ची की तरह नादानी तो नहीं की थी। दिव्या के अनुसार सोचने की ओवर एक्टिंग के बाद जब गूगल की आवाज आई तब टीचर भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। दिव्या जी ये क्या कर रहे हैं आप,
और फैक भाई इस आपदा को अवसर बनाने का खिताब इन सबको देगा, लेकिन ट्रॉफी तो भैया मैं इस जनाब को ही दूंगा। जब ऑनलाइन एग्जाम को रद्द कर दिया गया और मास्क पहन के एग्जाम कंडक्ट किए गए, तब इन्होंने मास्क में ही डिवाइस फिट कर चीटिंग करने की कोशिश कर ली, पर बदकिस्मती से उनकी कोशिश ही रह गई और वो प्लान एग्जीक्यूट हो उससे पहले वो पकड़े गए। अब यहाँ तक तो सब फिर भी ठीक था, क्योंकि बच्चों का चीटिंग करना, चीट करते हुए पकड़े जाना वगैरह वगैरह सब काफी कॉमन है, नॉर्मल हो चुका है। लेकिन फैक्ट भाई अब आपको कुछ ऐसा अनकॉमन दिखाएगा जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। मिलिए बिहार के बिहारी टीचर से, जो खुद ही एग्जाम हॉल में बच्चों को आंसर शीट दे रही थी। और भैया टीचर तो टीचर, एक केस ऐसा भी मिला है जहां वो पुलिस जो एग्जाम में कुछ ना गलत हो रहा हो उसकी रखवाली करने एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं, वो खुद चीटिंग में मदद करते पाए गए थे। अब इस सब को देख पैक भाई के दिमाग में तो बस एक ही धुन बज रही है। पर खैर, आपके इन सारे इंसिडेंट्स पर क्या विचार हैं? कौन सा चीटिंग मेथड आपको सबसे ज्यादा यूनिक लगा और आपने इनमें से कौन कौन से चीटिंग मेथड अपनाए हुए हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं यहाँ से लेता हूँ इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तो गाइस, ये तो बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके थे चीटिंग करने के लिए। और जिस तरीके से फैक्ट भाई ने कहा कि ऐसे इसमें से कौन कौन सी चीटिंग है जो आपने किया है, तो सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे ही आया था इस जगह पे, क्योंकि मैंने चीटिंग किया जरूर है, ऑब्वियसली बात है, सब करते हैं अपने लाइफ में, कभी ना कभी तो कर ही लेते हैं। तो मैं जब स्टैंडर्ड आई थिंक 8 में थी, उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में चीटिंग किया था। वो भी मैं जहाँ बैठ रही थी उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में मेरा फ्रेंड बैठा था, मतलब मैं अम्मू बोला भाई था, एंड हमने रबर, वो बड़ा वाला नॉन डस्ट इरेजर होता है ना, उस पे लिख लिख के आंसर्स को, मतलब उसका कवर था तो ऐसे कवर में लगा के फेंक देते मैम ये इरेजर देना है उसको, उस तरीके से हमने चीटिंग किया। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जिस कॉलेज से, तो उस कॉलेज में मैंने देखा था लोगों को चीटिंग करते हुए, जब मतलब लिटरली अपने पैरों में वो इलास्टिक बांध के आते थे, इस जगह पे इलास्टिक, यहाँ पे एक इलास्टिक, एंड इलास्टिक में पूरा वो चिट से भरा हुआ है। मतलब मैं देख के एकदम लिटरली शॉक, ये क्या है, ओह माय गॉड, मतलब मैं पहली बार वैसा कुछ देखी थी। क्योंकि लिटरली वो लोग, मतलब जब चेकिंग होता था तो थाइज वगैरह, पैर नीचे चेकिंग उतना होता नहीं था, शूज वगैरह ओपन किया जाता था, सॉक्स चेक होता था, तो वो लोग इस तरीके से रखते थे, इस जगह पे रखते थे जहां वो जो भी चेकिंग करते हैं वो उस जगह पे टच नहीं करते हैं, तो वैसे वैसे जगह पे वो लोग इलास्टिक लगा के एंड ये कर लेते थे। मतलब ऐसी भयंकर भयंकर मैंने चीटिंग देखा है कि मैं लिटरली, मतलब जब वो लोग आते थे एग्जाम देके, जब धड़ धड़ ऐसे इलास्टिक और ऐसे पूरे चिट्स गिरता था, तो देखा इतनी सारी चिट्स, ओह माय गॉड, मतलब बवाल है यार। मैंने फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे भी, मैंने आई थिंक फोर्थ सेम जो भी था हमारा, उस टाइम पे मैंने एक बार चीटिंग किया था, लेकिन वही है कि मैं पूरा गेस्ट पेपर ही उठा के लेकर गई थी, क्योंकि सभी लोग चीटिंग कर रहे थे और मैं लिटरली ऐसे ऐसे हो जाती थी कि मैं करूं तो करूं क्या। तो मैंने भी बहुत हिम्मत करके गेस्ट पेपर लेके गया था, तो फिर हिम्मत हुआ नहीं कि मैं खोल के वहां पे, मतलब देख के लिखूं। तो फाइनली मैं, जो सर थे, मैंने उन्हीं से हेल्प मांग लिया था कि सर प्लीज मेरा थोड़ा एमसीक्यूज बता दीजिए, जो भी है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, एंड बाकी मैं कर लूंगी। तो सर फिर थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया था, दैट्स इट। और लाइफ में कभी उसके बाद और कभी ना चीटिंग हुआ है, ना उससे पहले कभी हुआ है। बहुत डर लगता है चीटिंग करने से, पकड़े गई तो भाई मेरा सर्टिफिकेट चल जाएगा, मेरा डिग्री वेस्ट हो जाएगा, मेरा ईयर वेस्ट हो जाएगा, एंड ईयर वेस्ट होगा तो मैं एकदम बैठ के एकदम रोने लग जाऊंगी, सीरियसली। मतलब बहुत ही ज्यादा खराब लगता है जब एक साल एक बर्बाद हो जाता है ना किसी का भी, और मेरा हो तो भाई पता नहीं मैं क्या कर डालूं अपने आप के साथ, एकदम डिप्रेशन विप्रेशन में चल जाऊंगी फिर तो। क्योंकि पढ़ाई से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे, मैं आगे खूब ज्यादा और पढ़ना चाहती हूँ, एंड लेट्स सी आगे कितना दूर पढ़ाई होता है मेरा। वैसे चीटिंग करने के आइडियाज तो बहुत सारे हैं, सिर्फ ये ही नहीं, और ये तो बहुत सारी बचकाने वाली हरकतें हो गई चीटिंग करने की, इससे भी बहुत ज्यादा प्रो वाला चीटिंग करने की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारी है।
जो कि मैं शेयर बिल्कुल नहीं करूंगी एंड करना भी नहीं चाहिए शेयर एक्चुअली। भले हाँ जानकारी हम सभी को है लेकिन कभी लाइफ में यूज भी नहीं करना चाहिए और शेयर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ना गलत करना है और ना किसी से करवाना है भाई, क्योंकि आगे वाला भी गलत करेगा तो उसका फिर फ्यूचर क्या है, कोई फ्यूचर ही नहीं बनता है फिर तो, वो पढ़ाई करके कोई मतलब ही नहीं है जहां आप चीटिंग करके बस एक डिग्री ले रहे हैं। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड चीटिंग करने के खूब सारे तरीके पता चले होंगे और साथ ही इन स्टुपिडिटीज पे हंसी भी जरूर से आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जरूर से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और साथ ही इस वीडियो को जितनी हो सके आप सब अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड जहां मन चाहे आप सब शेयर करें। वैसे मैंने एक दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, आई थिंक कल परसों मैंने वीडियो नहीं डाला था जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया मैच हार गई थी एंड बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था मुझे, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं वीडियो बनाऊ नहीं बनाऊ, सो आई वाज लाइक नहीं यार मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, इंडिया इतनी बुरी तरीके से ऐसे हारा है तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाली एंड फाइनली आई एम बैक। टीचर्स डे वगैरह भी सेलिब्रेशन अच्छे से हो गया हमारा एंड अब एग्जाम आ रही है और मैं चीटिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स में आजमा देख रही हूँ। नहीं, चीटिंग वीटिंग करना नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई लिखाई करना है एंड खूब आगे बढ़ना है। सो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।